अभी इतना स्ट्रांग हुआ है कि मैं इसके ऊपर हेलमेट को भी उठा सकता हूँ। आपको ये मोटर लॉगिंग सेटअप भी कैसे काम कर रहा है ये भी दिखा देता हूँ, और उसके साथ साथ ये मोटर लॉगिंग सेटअप भी देखो कितने अच्छे से काम कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं हूं मनीष बाने एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रॉक्स टूरिज्म। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल से मोटो लॉगिंग हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे टोटल 6 मंथ्स हुए और मैं अभी तक मोबाइल पे ही अपना मोटो लॉगिंग शूट कर रहा हूँ। अभी तक मैंने कैमरा परचेस नहीं किया, और मेरे पिछले व्लॉग में एक दो भाइयों ने मुझे कमेंट करके भी पूछा था कि आप कौन सा कैमरा यूज करते हो। अभी मैंने उनको बताया था कि मैं मोबाइल पे ही मोटो लॉगिंग करता हूँ, तो उन्होंने पूछा था कि आप एक बार हमें सेटअप दिखाना कि कैसा सेटअप आप करते हो मोबाइल मोटो लॉगिंग के लिए। तो इसलिए मैं आज खास ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो मोटो लॉगिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपना हेलमेट, जिसके ऊपर मोटो लॉगिंग का सेटअप माउंट होने वाला है। तो आपको एक अच्छा सा हेलमेट खरीदना चाहिए, क्योंकि वो अपने सेफ्टी के लिए भी अच्छे से काम आएगा और उसके साथ साथ मोटो लॉगिंग सेटअप भी अच्छे से फिट होगा इसके ऊपर। तो ये रहा मेरा हेलमेट। बाद में ये रहा मोटो लॉगिंग का ये ऐसा स्ट्रैप आता है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे भी मिल सकता है। तो ये मैंने अमेजोन से खरीदा था, और जो भी मोटो लॉगिंग के लिए चीजें लगेगी उसका मैं सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो और खरीद भी सकते हो। तो ये उसका स्ट्रैप है, ये इस पे चिन माउंट पे आने वाला है और ये अंदर से लगने वाला है। बाद में ये इसका होल्डर है जिसमें अपना मोबाइल होल्ड होने वाला है कुछ इस तरीके से। तो ये मोबाइल होल्डर इसके काम आने वाला है। और ये है अपने नॉर्मल कॉर्ड्स जो हम गाना सुनने के लिए कॉल पे वगैरह यूज करते हैं। तो अभी तक मैं मोटो लॉगिंग इस मोबाइल फोन के कॉर्ड से ही कर रहा था, कॉलर माइक वगैरह परचेस नहीं किया है, पर अभी मैंने जस्ट ऑर्डर दिया है, वो आने के बाद मैं उससे मोटो लॉगिंग चालू करने वाला हूँ। तो अभी मैं मोटो लॉगिंग का सेटअप तो दिखाया आपको, अभी चालू करता हूँ कि कैसा सेटअप बनाना है। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो स्ट्रैप्स है ना, वो हमें इसके ऊपर टाई करने पड़ेंगे। तो इसके लिए पहला अपना ये जो, अगर आपके पास ऐसा हेलमेट है स्टड्स का जहां से अपना एयर पास होता है अपने मुंह की तरफ, तो वो आपको सबसे पहले बंद करवाना पड़ेगा। और वो बंद करके बाद में फिर आपको ये स्ट्रैप्स इसके ऊपर ऐसा कुछ लगा के, जैसे हम स्कूल बैग में टाई करते हैं ना पट्टे को, वैसे ही कुछ करना है। ये कुछ बक्कल है, इसके नीचे से ये लगा के आपको जितना टाइट करना है उतना आप यहाँ से टाइट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये स्ट्रैप कुछ इस तरीके से मैंने अभी फिट किया है, ये अभी हिलेगा नहीं, एकदम फिट हो गया है यहाँ से। और यहाँ से जो छोटे छोटे बट्टे आते हैं ना, वो बोलते समय आपके मुंह में आ सकते हैं, तो इसलिए ये आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे डालना पड़ेगा। तरीके से मोटो लॉगिंग करते वक्त आपको कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए पीछे डाल के रखना। अभी आती है इसकी बारी। तो जब आप मोबाइल होल्डर खरीदते हो तो वो टाइम पे ये सब चीजें आपको मिल जाती है उसके साथ साथ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको यहाँ पे एडजस्ट कैसे करना है, और इसके लिए हमें ये स्ट्रैप पहले इससे जोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए ये जो माउंट है छोटा सा, ये हमें इस स्ट्रैप के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए बस हमें इस माउंट को लेना है और ये ऊपर की तरफ रखना है, और नीचे की तरफ बस पुश करना है, छोटी सी एक टक करके आवाज आएगी तो समझ लेने का ये फिट हो गया। उसके बाद फिर अभी इस मोबाइल होल्डर को इसके ऊपर माउंट करना है। तो इसके लिए ये जो हुक दिए दो, तो इसके अंदर बस मोबाइल माउंट को ऐसा डालना है हमें, और यहाँ से बस स्क्रू फिट करके टाइट कर लेना। ये देखो, अभी ये परफेक्टली टाइट हो चुका है, और ये अभी इतना स्ट्रांग हुआ है कि मैं इसके ऊपर हेलमेट को भी उठा सकता हूँ। और अभी बारी आती है इस कॉर्ड की। अभी ये तो कोई भी कर सकता है, फिर भी मैं आपको एक बार फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ। ये जो मेन वीडियो है ये बिगिनर्स के लिए है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस कॉर्ड को ऐसे थोड़ा लपेट लेता हूँ यहाँ से, और फिर जो ये पार्ट है ना, ये अपना है माइक का, यहाँ पे अपना वॉइस रिकॉर्ड होता है, ये मेन पार्ट है। ये अपने मुंह के
इस साइड पे रख लेगा अपने बाहिनी ओर, तो यहाँ से फिर आवाज अच्छे से रिकॉर्ड होगा। और इधर आप रखोगे ना मुंह के एकदम सामने, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर रखोगे तो आप जब अपनी सांस फूलती है बोलते समय तो उसका भी आवाज इधर रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ये साइड पे माइक को अपना सेट करना है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा लपेट के ये जो पार्ट है ये मैं पैडिंग के ऊपर के हिस्से में डालने वाला हूँ। ये देखो, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसमें ये माइक डालने वाला हूँ, और फिर जो जहां से अपने आवाज रिकॉर्ड होने वाली ये वाला हिस्सा मैं इसके नीचे एडजस्ट करता हूँ। और फिर जो ये बची हुई वायर है ना, इसको हमें इस पैडिंग के अंदर एडजस्ट कर लेना है। हम लोग को ये पैडिंग को रिमूव करना पड़ेगा थोड़ा, और फिर इसके अंदर ये वायर को एडजस्ट करना पड़ेगा। भी हमारी वायर भी यहाँ से फिट हो चुकी है, ये आप देख सकते हो। बस हमें जितनी वायर बाहर चाहिए कनेक्ट करने के लिए मोबाइल को, उतना बस हमें बाहर निकालना है, बाकी सब अपने हेलमेट के अंदर सेट हो जाएगा इस पैडिंग के अंदर। तो अभी मैं आपको मोबाइल को भी इसको लगा के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से अपना मोबाइल हेलमेट के ऊपर माउंट हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको ये मोटो लॉगिंग सेटअप भी कैसे काम कर रहा है ये भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, अभी जो सामने आप देख रहे हो ये मेरा पूरा मोबाइल रिकॉर्डिंग है, और उसके साथ जो मैंने मेरे कॉर्ड्स यूज़ किए थे वही कॉर्ड्स है। तो मुझे ये ज़रूर बताना कि मेरी वॉइस कैसे आ रही है। तो दोस्तों, ये बहुत ही चीपेस्ट मोटोलॉग है, मैंने बहुत ही सस्ते कीमत में एक करके लिया था, अभी तो इसको 6 महीने होके गए। और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आप मोबाइल सेटअप ले रहे हो ना तो एक्शन प्रो का जो भी मोबाइल सेटअप है ना वही ले लो, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो टाइम पे मैंने वो लिया नहीं था, वो टाइम पे मैंने ये थोड़ा सस्ते में काम करवाना था इसलिए मैंने ये वाला सेटअप लिया था। तो ये मुझे कुछ 200-300 रुपये में ही पूरा सेटअप आया था, तो मेरे ख्याल से एक्शन प्रो का 500 तक जाएगा, पर उसकी क्वालिटी इससे भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। फिर भी मैं आपको दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको चाहिए वो आप ख़रीद सकते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि कितने चीपेस्ट वे में हमने अपना मोटो लॉगिंग सेटअप किया है, मतलब हमें इसके लिए कुछ ज़्यादा बड़ा कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर गोप्रो ही चाहिए ऐसा भी कुछ नहीं है। बस हम अपने मोबाइल से भी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बस हमें उतना मोटो लॉगिंग का शौक होना चाहिए, बस बाकी हम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अभी मैं जैसे ही हाईवे पे जाऊंगा वैसे ही आपको थोड़ा स्पीड टेस्ट भी दिखा देता हूँ कि 80 के ऊपर इसकी वॉइस कैसी आती है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। थोड़ा ये रोड क्रॉस कर लेता हूँ। बीच बीच में ना ऐसे डांबर के पैचेस डाले ना, इसकी वजह से भगाने को नहीं होता है ठीक से। अभी चेक करो गाइस मेरी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, और उसके साथ साथ ये मोटो लॉगिंग सेटअप भी देखो कितने अच्छे से काम कर रहा है, मोबाइल एकदम स्टेडी है, हिल भी नहीं रहा।
तो दोस्तों देखा आपने, मोबाइल भी कितना स्टेडी था, थोड़ा भी हिला नहीं। मतलब आप बोल सकते हो कि यह सेफ भी है, कि आपको थोड़ा डर रहता है कि अपना मोबाइल कहीं गिर ना जाए चलाते वक्त, तो वैसा नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छा माउंट दिया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। और अगर आपको मोटोलॉगिंग के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए ऐसे ही आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।